पाए, मिल आपका हुआ हमारा। हो शब्द नहीं मैं व्यक्त करूं, मैं हृदय से उद्गार। शब्द नहीं मैं व्यक्त करूं जो हृदय से उद्गार। कैसे करे आपका स्वागत और सत्कार, स्वागत गीत के उपरांत मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत हेतु कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगी। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलम रेखारिया मैडम जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय महोदय श्री गणेश सिंह जी सांसद का स्वागत बुके प्रदान करें। छात्राएं हमारी मैडम को बुके प्रदान करें, उन्हें असिस्ट करें। IQAC इंचार्ज डॉक्टर सुष्टा तिवारी मैडम से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय मैडम सुचिता तिवारी, जल्दी जाओ, पास जाओ। क्रीड़ा विभाग के प्रभारी डॉक्टर किरण सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद पांडे जी से सादर अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। कार्यालय प्रमुख श्री वीरेंद्र यादव जी से सादर अनुरोध है कि वे मंच आकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना के जन भागीदारी अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद पांडे जी के हार्दिक स्वागत के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर AK पांडे सर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य, हमारी संरक्षक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य डॉक्टर नीलम रेखारिया मैडम के स्वागत हेतु मैं IQAC इंचार्ज डॉक्टर सुचिता तिवारी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे
उनका स्वागत करें। इधर तो सामने से हमारे बीच हमारे गणमान्य अतिथि पधारे हैं, मैं एक बार उन सबका फिर से स्वागत करती हूँ। शासकीय स्वशासी महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष श्री विजय यादव जी के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर आभा खरे से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रहलाद कुशवाहा जी के स्वागत के लिए मैं श्री वीपी सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे उनका स्वागत करें। हमारे बीच जयद्वारा महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष श्री अशोक बंसल जी पधार चुके हैं, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। अशोक बंसल जी के स्वागत के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे जयद्वारा महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष का स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत की इस कड़ी के उपरांत मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर नीलम रिछारिया मैडम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमारे अतिथियों को अपना स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय मैडम, आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि सतना के लोकप्रिय जननायक सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति शासकीय कन्या महाविद्यालय श्री भगवती प्रसाद पांडे जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति शासकीय स्वशासी महाविद्यालय सतना श्री विजय यादव जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय जयद्वारा श्री अशोक बंसल जी, हमारे सामने बैठे हुए भाजपा के प्रवेश प्रवक्ता श्री प्रहलाद जी कुशवाहा जी, विद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतीश सुखेजा जी, हमारे जन भागीदारी समिति के समस्त माननीय सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ प्राध्यापकगण डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर आर एन त्रिपाठी जी, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जी पी रिछारिया जी, श्री जैन साहब, डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी,
यहाँ प्रांगण में उपस्थित सतना के सुधी नागरिकगण, हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक सदस्य, मीडिया से पधारे हुए हमारे सभी सहयोगी जिनका सहयोग हमारे महाविद्यालय को हमेशा मिलता है, तथा प्रिय छात्राओं, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का विषय है कि हमारे अल्प समय के आमंत्रण पर माननीय सांसद जी ने यहाँ पर उपस्थित होकर महाविद्यालय परिवार का तथा हमारी छात्राओं का उत्साह बढ़ाने का सहयोग प्रदान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय सांसद महोदय प्रति क्षण सतना की जनता के लिए तन मन और धन से सतना के विकास के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। वे प्रतिबद्ध हैं सतना को देश के एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में स्थापित करने के लिए। हम जानते हैं उन्हीं के प्रयासों से सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, मेमो ट्रेन की सौगात मिली है। इसी प्रकार उनकी जो जन सामान्य के लिए भावनाएं हैं, उन्हें कोविड के समय हॉस्पिटल में देखा जा सकता था, चाहे वहाँ वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, आईसीयू को आधुनिकतम बनाने की व्यवस्था हो, और भी उन्हें यदि कहीं भी समझ में आता है किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वह तत्क्षण उसके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे लिए तो ये हर्ष की बात है कि हमारे महाविद्यालय को उनका स्नेह, मार्गदर्शन एवं संरक्षण हमेशा प्राप्त होता रहा है, और मुझे ऐसी आशा है कि भविष्य में भी आप हमारे लिए प्रयासरत रहेंगे और आपका संरक्षण हमें सदैव मिलता रहेगा। हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे जी के विषय में अभी उन्हें हमारे बीच आए 4 महीने ही हुए हैं, किंतु मैंने देखा है कि प्रति क्षण उनके मन में महाविद्यालय के विकास के लेकर, छात्राओं की सुविधा को लेकर, कर्मचारियों के हित को लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं और विचार रहते हैं, और जब विचार होते हैं तो वे साकार भी होते हैं। और अभी परसों ही हमारी जनभागीदारी की मीटिंग हुई है, और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी की जो भावनाएं हैं, शायद उनमें से अधिकांश को हम अब आगे मूर्त रूप देने में सफल होंगे। हमारे बीच मंच पर श्री विजय यादव जी भी हैं, जो कि अग्रणी महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं, पर अध्यक्ष वो जरूर अग्रणी महाविद्यालय के हैं, पर कन्या महाविद्यालय के लिए भी उनकी भावनाएं कमतर नहीं है। अभी मंच पर बैठे बैठे ही उन्होंने मुझे कुछ एक दो चीजें ऐसी बताई जो हमारे महाविद्यालय के विकास को नई गति प्रदान करने में सहयोगी होंगे। हमारे बीच अशोक बंसल जी भी हैं, उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन भी महाविद्यालय परिवार को मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। और यहाँ सामने बैठे हुए जो भी हमारे जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं, या सतना शहर के प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अध्यापकगण हैं, आप सभी का भी स्नेह एवं मार्गदर्शन इस महाविद्यालय को सतत रूप से मिलता रहता है। हमारा महाविद्यालय परिवार निरंतर हमारी संख्या छात्र